हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ सांभर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कप तूर दाल को अच्छी तरह से धोकर सारी रात पानी में भिगो के रखा था। अभी इसे बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुकर में हमने लिया है 2.5 गिलास पानी, इसमें डाल देंगे दाल, छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो अभी कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और कुकर को 3 से 4 सीटी दिलवाएंगे। तो देखिए, दाल को हमने बॉईल करके लिया है और ये अच्छी तरह से गल चुका है। अभी हम सांभर बनाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पर हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए बिठा दिया था। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम डाल देंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, साथ ही में डाल देंगे 8 से 10 करी पत्ते, आधा चम्मच सरसों के दाने और चुटकी भर हींग। और अभी हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। एक बड़े साइज के प्याज को हमने चॉप कर लिया है। साथ ही में डाल देंगे 1 टमाटर के टुकड़े, साथ ही में डाल देंगे और कुछ सब्जियां, पम्पकिन, ड्रमस्टिक्स और पोटैटो लिया है यहाँ पर हमने। आप लोग अपने पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जी ले सकते हैं। और अभी हम डाल देंगे मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और अभी हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक, क्योंकि दाल बॉईल करने के वक्त भी हमने नमक डाला था, इसीलिए थोड़ा सा कम नमक ही डाल रहे हैं। अभी इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। लगभग 7 मिनट हो चुका है। अभी सब्जियों में हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच इमली का रस, और इमली का रस डालने के बाद लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक इमली के रस में सब्जी को भुनना है। सब्जियां काफी सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी हम डाल देंगे बॉईल की हुई दाल। अभी हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला। ये वाला मसाला हमने घर में बनाया है। मसाला मिक्स करने के बाद अभी हम डाल देंगे 1/2 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद अभी 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर सांभर को पकाना है। लगभग 15 मिनट हो चुका है, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे। सांभर बिल्कुल तैयार है।
अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।